Hi guys, what's up? All is well. तो गाइस, हमने जो है पहले ही पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव जो है अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए, और स्पेशली फॉर पंचायत सचिव और बेसिकली फॉर लोकल लैंग्वेज खोटा। तो खोटा से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके फिलहाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम रिलेटेड जो है चार पांच वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा छठा वीडियो है खोटा का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 165 है, 165 में चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सुकुमार के पूरा नाम बतावा, सुकुमार का पूरा नाम क्या है? तो सुकुमार का पूरा नाम जो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, सुकुमार रहवैया लागत, सुकुमार जो जी जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं? भेंड्रा बोकारो का रहने वाले हैं, इसका आंसर सी नंबर होगा। सुकुमार के बापे का नाम बतावा, सुकुमार के पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ विश्वकर्मा, इसका आंसर ए नंबर होगा। 168 क्वेश्चन है, सुकुमार के माई के नाम बतावा, सुकुमार के माता जी का नाम क्या है? राधा देवी, इसका आंसर बी नंबर होगा। सुकुमार के खोटा संग्रह के नाम की लागत, सुकुमार के खोटा संग्रह जो है उसका नाम क्या है? पैन सोखा, पैन सोखा, इसका आंसर ए नंबर है। झिंगुर के लिखल हत, झिंगुर जो है किसने लिखा है? सुकुमार ने, इसका आंसर बी नंबर होगा। बावा हाथक रतन कैसन रचना लागे, बावा हाथक रतन जो है वो रचना किसने किया है? तो वो है सुकुमार का। हिलोर के संग्रहकर्ता का नाम बतावा, हिलोर का जो संग्रहकर्ता है उसका नाम क्या है? तो सुकुमार जी है, इसका आंसर डी नंबर होगा। 173 देखते क्वेश्चन, मदन भैरी के लिखल हत, मदन भैरी जो है सुकुमार जी ने लिखा, इसका आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 देखते हैं, सुकुमार के कौन बच्छर खोटा रतन देल गेल रहे, सुकुमार जी के जो है कौन साल खोटा रतन दिए गए थे? 1993 में, इसका आंसर बी नंबर होगा। 175 क्वेश्चन देखते हैं, आइज नाई तो काइल मानो हतो गोडेक कांटा दाते दाते इधर सॉरी धैर टाने हतोई कहवैया नाम बतावा, इसका आंसर पानूरी जी है ए नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, 176 देखते हैं, नरेश नील कमल के जन्म बच्छर बतावा, नरेश नील कमल जी का जन्म बच्छर बताना है, इसका आंसर 1949 होगा, बी नंबर। नेक्स्ट है 177, नरेश नील कमल के जन्म स्थान बतावा, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान जो है धनबाद है, डी नंबर आंसर होगा। और 178 देखते हैं, नरेश नील कमल के मृत्यु बच्छर बतावा, नरेश नील कमल का मृत्यु बच्छर बताना है, ये 2008 है, बी नंबर आंसर। मालाक फूल में केकर कविता शामिल करल जा है, मालाक फूल में यानी माला के फूल में जो है किसका कविता शामिल किया जाता है? तो नरेश नील कमल जी का सी नंबर आंसर होगा। 180 देखते हैं, मालाक फूल कविता संकलनकर्ता लागत, इसका संकलनकर्ता कौन है? पानूरी जी है, ए नंबर आंसर होगा। 181 देखते हैं, गिरिधारी गोस्वामी के उपनाम बतावा, गिरिधारी गोस्वामी जी जो है उसका उपनाम क्या है? तो उसका उपनाम आकाश खट्टी है, डी नंबर। नेक्स्ट है 182, गिरिधारी गोस्वामी के जन्म बच्छर बतावा, गिरिधारी गोस्वामी जी का जन्म बच्छर 1965 है, बी नंबर आंसर। 183 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, आकाश खूंटी के बाप कर की नाम लागे, आकाश खूंटी के पिताजी का नाम क्या है? देबूलाल गोस्वामी, ए नंबर होगा आंसर। 184 देखते, आकाश खूंटी के मायक कर की नाम लागे, उसके माता जी का नाम क्या है आकाश खूंटी जी का? तो धूमू देवी है,
ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है 185 आकाश खूंटी कौन पत्रिका का संपादक लागत। आकाश खूंटी जो है वो कौन से पत्रिका का संपादक है, लुआठी, लुआठी इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है 186 व्यतीत का कर उपनाम है। व्यतीत जो है किसका उपनाम है, जनार्दन गोस्वामी का, जनार्दन गोस्वामी का। नेक्स्ट है 187 क्वेश्चन नंबर, जनार्दन गोस्वामी के जन्म वर्ष बतावा, उसका जन्म कब हुआ था तो 1956 में, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट है 188 क्वेश्चन नंबर, से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता लागत। से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता कौन है, तो कविता संग्रह बी ए नंबर होगा इसका आंसर। 189 देखते हैं, से बातिक बूंद कविता संग्रह के संग्रहकर्ता लागत। से बातिक बूंद कविता का संग्रह का संग्रहकर्ता कौन है, तो जनार्दन गोस्वामी है, सी नंबर आंसर होगा। 190 देखते हैं, काका काकी की लागे, काका काकी क्या चीज है, तो प्रबंध काव्य है, डी नंबर आंसर होगा। 191 देखते हैं, काका काकी प्रबंध काव्य क्या लिखल हत, तो जनार्दन गोस्वामी जी ने लिखा काका काकी, इसका आंसर इसका आंसर ए नंबर होगा। सॉरी फ्रेंड्स डिस्टरबेंस के लिए। 192 देखते हैं, व्यतीत जीक व्यंग के नाम बतावा, इसका व्यंग का नाम क्या है, चाहिंक जूता इसका नाम सी नंबर होगा आंसर इसका। 193 देखते हैं, जनार्दन गोस्वामी कौन बच्छर खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सलाहकार चुनल गेल रहत, वह जो है किस साल खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सलाहकार चुने गए थे, तो 1998 में चुने गए थे, बी नंबर इसका आंसर होगा। 194 देखते हैं, जनार्दन गोस्वामी कौन बैंक में नौकरी करल हत, वो कौन से बैंक में नौकरी किए हुए हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक में, डी नंबर आंसर होगा। 195 क्वेश्चन देखते हैं, संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर बतावा, संतोष कुमार महतो का जन्म बच्छर 1930 ईस्वी है, बी नंबर होगा इसका आंसर। संतोष कुमार महतो के जन्म कौन जिला में भेल है, संतोष कुमार महतो का जो जन्म वो किस जिले में हुआ है, तो गिरिडीह जिले में, सी नंबर आंसर होगा। 197 देखते हैं, एक पथिया डोगल महुआ संग्रह लागे, एक पथिया डोगल महुआ जो संग्रह है वो किसका है, तो कविता संग्रह का है, ए नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट है 198 क्वेश्चन, संतोष कुमार महतो के कविता संग्रह कर नाम बताओ, संतोष कुमार महतो का जो कविता संग्रह का नाम है वो क्या है, तो एक पथिया डोगल महुआ, एक पथिया डोगल महुआ इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है, एक पथिया डोगल महुआ में कई गो कविता है, एक पथिया डोगल महुआ में कई गो कविता है, तो 50 गो कविता है, इसका आंसर भी सी नंबर होगा। 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 200 एक मौनी फूल के लिखवैया का नाम बताओ, एक मौनी फूल के लिखवैया का नाम क्या है, तो एक मौनी फूल के लिखवैया का नाम है संतोष कुमार महतो, इसका आंसर डी नंबर होगा। ये इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, और जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 पार्ट 5 जो है हम इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।